कोरोना के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा है। हर रोज पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन सब के बीच पहले दिल्ली फिर मुंबई में लोगों को अफवाहों के माध्यम से जमा किया गया। अब बिहार में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया भी इस पर आनी शुरू हो गई है। असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे ललन यादव। देश के कोने कोने से गरीबों की चिट्ठी आई है, ऊपर में सरकार का नाम लिखा है, अंदर में भूखे प्यासे बेबस लाचार गरीब मजदूरों के दर्द का पैगाम लिखा है। क्या लिखा है कि गरीब मजदूरों की पुकार है, मेडिकल जांच कराने के उपरांत उनको घर आने की दरकार है। आज बिहार का विकास दिखाई पड़ रहा है। बिहार यदि विकसित हुआ होता तो यहां से लाखों लाख बिहारी देश के कोने कोने में जाकर के मजदूरी नहीं करते। चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, चाहे राजद की सत्ता हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड की सत्ता हो, किस प्रकार से बिहार का विकास किया हमसे तो ज्यादा आप लोग जानते होंगे। क्योंकि यदि बिहार में फैक्ट्रियां लग गई होती, उद्योग धंधा मजबूत हो गया रहता, कल कारखाना खुल गया रहता, तो आज लाखों लाख बिहारियों को यहां से पलायन करना नहीं पड़ता। इसका जिम्मेदार कौन है? आज देश के कोने कोने में कोरोना वायरस की चपेट में भूख से पीड़ित बेबस लाचार मजदूर नदी किनारे सोने को मजबूर है, कूड़ा कचरा के ढेर पर सोने को मजबूर है, कई दिनों से भोजन नहीं किया, आत्महत्या करने को मजबूर है। इसकी जिम्मेदारी पिछले सत्तेधारियों को भी मिलनी चाहिए। देश अनेकों प्रकार से राजनीति करता रहा, लेकिन बिहार की राजनीति फूट डालकर करती रही राज, लेकिन इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज। हम क्या कह सकते हैं, हमसे तो ज्यादा आप लोग ज्ञानी हैं। धन्यवाद।